लेबनान में हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह ने अपने जहरीले भाषण से एक बार फिर बड़ी तबाही मोल ले ली। पेजर और वॉकी टॉकी धमाके के बाद नसरल्लाह पहली बार टीवी पर बोलते नजर आए, तभी इसराइल ने जंगी जेट से बम बरसाने शुरू कर दिए। लेबनान में कई इलाकों में इसराइल के जंगी जेट उड़ान भर रहे हैं। तो क्या अब हिजबुल्लाह 72 मिलिशिया ग्रुप के साथ मिलकर नेतन्याहू से युद्ध शुरू करने जा का सायरन बज गया है। वजह है ये, इजराइल में हिजबुल्ला के रॉकेट इंसानी बस्तियों में गिरे हैं। मा हसला यौम الثلاثاء ويوم الاربعاء يوم الثلاثاء ان انا بس بدي اوصف اختصار كمدخل ولا معروف لكم صار. تم استهداف من قبل العدو الاسرائيلي، تم استهداف الاف اجهزه البيجه وتم تفجيرها في وقت واحد. इसराइल में नेतन्याहू के आलोचक दावा कर रहे हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान इसराइल का ही होगा, क्योंकि हिजबुल्ला की मिलिट्री विंग खामनेई के बिछाए बारूदी दलदल में नेतन्याहू को तेजी से खींच रही है। गाजा युद्ध में उलझे नेतन्याहू को खामनेई के प्लान के हिसाब से हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला लेबनन फ्रंट पर उलझाने की कोशिश में जुटा है, जिसमें यमन के हूती विद्रोही लड़ाकों के टॉप कमांडर अब्दुल मलिक हूती पूरी तरह से मदद कर रहा है। इन तीन फ्रंट पर आर पार का युद्ध शुरू हुआ तो इसराइल को घेरना आसान होगा, जिसके बाद चौथा फ्रंट ईरान खोलकर इसराइल से इस्माइल हानिया की मौत का हिसाब बराबर करेगा। खामनेई बस इसी दिन के इंतजार में शांत बैठे हैं कि इसराइल लेबनान में अपनी सेना उतार दे। अगर ये बारूदी बैटल ग्राउंड धधकने लगा तो इसराइल चार दुश्मनों से एक साथ युद्ध करने को मजबूर हो जाएगा। हिजबुल्ला ने रॉकेट फोर्स के साथ फाइटर ड्रोन भी जुटा लिए हैं। हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल में कहां तक मार कर सकते हैं? क्या हिजबुल्ला लड़ाके अपने दम से नेतन्याहू पर भारी पड़ सकते हैं? आखिर हिजबुल्ला का वॉर प्लान क्या है, ये जानिए। उससे पहले इस युद्ध के मास्टरमाइंड का गेम भी समझ लीजिए। हिजबुल्ला लड़ाकों की वफादारी किसके लिए है ये भी जान लीजिए। हिजबुल्ला ईरान समर्थित लड़ाका गुट है, लेकिन ये समर्थन सिर्फ हथियार और फंडिंग तक सीमित नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ही अघोषित तौर पर इन शिया मुस्लिम फाइटर्स के टॉप कमांडर भी हैं। अला असलह जदीदा طبعا ما حاول شو الاسلحه الجديده هاي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخد هواء بتبين ईरान शिया बाहुल जितने भी फाइटर ग्रुप हैं उन सब की टीम बना रहा है। इसराइल से नफरत करने वाली कट्टर फौज को एकजुट कर ज्वाइंट अटैक का प्लान असरदार साबित हो सकता है। हिजबुल्ला को जिन संगठनों से इसराइल के खिलाफ मदद मिल सकती है उन्हें भी देखिए।
इसराइल के खिलाफ लेबनान का अमल मूवमेंट गुट हिजबुल्ला का सबसे बड़ा साथी बनेगा। लेबनान में अमल मूवमेंट की हिजबुल्ला की तरह राजनीतिक और मिलिट्री विंग है। अमल मूवमेंट के लेबनान संसद में सबसे ज्यादा 14 सदस्य हैं। मुस्तफा चमरान का बनाया अमल मूवमेंट इसराइल से 1978 में युद्ध लड़ चुका है। लेबनान से बाहर हिजबुल्ला के साथ पाकिस्तान की जैनब ब्रिगेड जुड़ेगी। जैनब ब्रिगेड में ज्यादातर ईरान के शिया मिलिशिया लड़ाके हैं। सीरिया के गृह युद्ध में जैनब ब्रिगेड ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज हिजबुल्ला के साथ वॉर जोन में मौजूद रहेंगी। इराक के शिया लड़ाके गुट हिजबुल्ला के सबसे ताकतवर पार्टनर हैं, जिसमें 67 ग्रुप के फाइटर शामिल हैं। इराक में पॉपुलर मोबिलाई